चुनावी मुहिम में हम लोग तेजस्वी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, जो आशा सिन्हा विधायक हैं वो कोई काम करने के लिए नहीं जाते हैं, अन किए हैं कर में नहीं खेले ले रितलाल के छोड़ के क्यों नहीं यार रितलाल के रितलाल जनता ला मरते हैं तो हम लोग देंगे अपील रितलाल यादव को चाहे जो भी हो वो जेल छूट क्या है और वो काम करेंगे और आश्वासन भी हम लोग के दिए हैं कि हम सब काम करेंगे। नितलाल छोड़ के लालू यादव छोड़ किसको हम लोग देंगे भैया? मुख्यमंत्री को तेजस्वी को देखा जाते हैं, नीतीश कुमार को नहीं देखा जाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेब समाचार 24x7 एक बार फिर स्वागत करता है। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। जी हाँ, आज हम चले आए हैं दानापुर के पीपा पुल घाट के बिल्कुल इर्द गिर्द है। मतलब क्या कह सकते हैं कि वहाँ से 50 मीटर के दूर पे आपका पीपा पुल घाट आ जाता है। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र का ये नज़ारा देख सकते हैं, ये सड़क से ही दर्शाता है कि ये विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। यहाँ के जनता त्रस्त है क्योंकि इस क्षेत्र में ना ही विकास हुआ है और ना ही कोई योजना लागू हुआ है। बिहार को बर्बाद करने में अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप लोग का खुद नज़र आएगा कि कहाँ से किसको बंधन कर करके बालू बांध, लालू बांध, आलू का समस्या देखे रहे, नोटबंदी, बस कीजिए ना, हमको बोलने दीजिए, नहीं तो आप ही बोलिए। और बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी का जो रचना है, अब तो ऊपर वाले जानेंगे, बिहार बेचने का रचना है। हाँ, बिहार नहीं, भारत बेचने का रचना नरेंद्र मोदी जी का है। यानी आप उनको सबसे भ्रष्ट मान रहे हैं? जी, एकदम भ्रष्ट मान रहे हैं, इसलिए कि उनका सब खाली लालची लोग के देते हैं गरीब को, और ऊपर से पीठ पर छुरा भोंकते हैं। अच्छा, तो सीना पर नहीं, देश के हो गए, बिहार में कौन होगा? बिहार में जो अब की आएगा तो तेजस्वी को आना है, आना ही तो अपना अपना भाग है, तकदीर है, लड़ रहे हैं लोग। नीतीश कुमार सुशील मोदी यानी बर्बाद कर दिए बिहार। हाँ हाँ जी, दारू बंद करवाया नीतीश जी। हाँ, दारू बंद करवा करके, दारू बंद नहीं करवाए, वो दारू खूब चालू करवा करवा हुआ, जो लोग 10 रुपये में पी करके मस्त होकर घरे चल जाता था, आज 200 में पी करके बर्बाद कर रहा है। और माल मुसहर जो भी है वो दारू से आज करोड़पति बन गया, लेकिन आम जनता भिखमंगा बन गया। इंग्लिश दारू रुका हुआ है, कतई से सकतर से आता है, घरे घरे डिलीवरी कर रहे हैं नीतीश जी। अरे नहीं रोका है तो वही ना डिलीवरी कर रहे हैं, और उसको कोई धर पकड़ कुछ नहीं है। यह नीतीश जी का नीति है, और नीतीश जी को हम लोग मानने, उनको तो डगड़ा के बैगन है। अच्छा, उनका बेटा भी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के लिए मतलब 143 सीट कर रहे हैं, तो अभी तो ये सामने लाइट में नहीं आए हैं, लेकिन अब हो सकता है यदि आ जाएंगे तो उनका देखा जाएगा। रामविलास से क्या तो बोल रहे, बैगन का डगड़ा है वो, जिसका जिधर हवा देखते हैं ना उधर जाते हैं, मौसम विभाग रामविलास पासवान। आप किसको देखना चाह रहे हैं बिहार में? कौन बिहार में मतलब कौन ऐसा नेता है जो बर्बाद कर दे बिहार? तो ये बोले से वही बताओ तो हम भी बोल सकते हैं सर। जैसे सर ये तो बताया जाए, बालू बंद करने से थी, नोटबंदी करने से फायदा का हुआ? ये कई महीना जो लम्बर में लगा हुआ है आदमी, अपना पैसा बदलने के लिए फेरा में पड़ा हुआ है, समय बर्बाद हुआ। ये लॉकडाउन लगाने से, आज लॉकडाउन छूट गया, आज तो लगा हुआ है, सब लोग मर रहे हैं, हम लोग खाला बिना, काम नहीं हुआ, कमा नहीं रहे हैं, मनी कमाएंगे तब ना बाल बच्चा खाएगा, सारे लोग हम लोग पाछे चले जा रहे हैं,
धन पैसा जो है सब खा गए। आज जो है 100 के धन जो है मान लीजिए 90 में बेचने पड़ रहा है। परिस्थिति पछे नहीं चल जा रहा है सर। नीतीश कुमार बर्बाद कर दिए, बर्बाद कहिए दिए कि नीतीश किए को सुशील मोदी तो ना बीजेपी से है ना तो दुल्लो तो वही हो गए हमारे समझ में कानून कोई गलत नहीं होता है। कानून बनता है जो भी पब्लिक के हित के लिए बनता है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर उसका दुरुपयोग होता है। कानून जो भी बनता है फायदा के लिए, लेकिन उसका पुलिस प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी फायदा नजायज चाहते हैं। पड़ाव पर नोइंटी के नाम पर एको दी गाड़ी बंद नहीं होती है, लेकिन 100 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, गाड़ी आपको पास पुलिस कराती है। जिसको जैसे खाली नाम की नो एंट्री के नाम पर गाड़ी पार हो रहा है, पैसा दीजिए पार होगा, नहीं तो आपको नो एंट्री में जब्त होगा गाड़ी। तो कानूनन तौर पर जो भी देखा गया है सरकार फैसला लेते पब्लिक हित के लिए, लेकिन उसका व्यवस्था जो है ना जिसको वजह से वो लोग सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पैसा नीतीश कुमार के कैसा मान लो, नीतीश कुमार के इसीलिए कि प्रशासन बहुत छूट की पुलिस ही संविधान के माध्यम से या कानून के माध्यम से पुलिस को ही सबसे ईमानदार माना गया है, लेकिन सबसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी प्रशासन होता है। सरकार भ्रष्ट तब ना नहीं। हाँ, कानून उसी को सबको ईमानदार उसी को माना गया है कि सबसे जांच सुई से लेकर हवाई जहाज का जांच पुलिस प्रशासन ही करेगा, लेकिन सबसे भ्रष्ट पुलिस प्रशासन का बड़े विभाग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। आशा सिन्हा का ये क्षेत्र आप जो दृश्य जो देखे हैं ये पड़ता है पीपा पुल घाट के पास है। ये जो रोड जो है सड़क जो है बिल्कुल जर्जर की स्थिति में है और यहाँ विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो हुआ है। अब देखना है कि लोग अपनी अपनी भाव है, अपनी अपनी आवाज़ है कि भाई रीतलाल यादव को ही हम वोट देंगे, चाहे वो किसी भी तरह रूप में हो, वो बाहुबली क्यों ना हो, विकास के काम जो विधानसभा क्षेत्र में करेगा उसको हम विजय दिलवाएंगे। आप वेब समाचार 24x7 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे ही एक नए अंदाज नए उत्साह के साथ हम आपके पास फिर आएंगे। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा, बाय बाय। चुनावी माहौल में हम लोग तेजस्वी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, जो आशा सिन्हा विधायक हैं वो कोई काम करने के लिए नहीं जाते, न किए हैं कर कोनो जल में नहीं खेले ले रीतलाल के छोड़ के क्यों नहीं यार रीतलाल के रीतलाल जनता ला मरते हैं। तो हम लोग देंगे अपनी रीतलाल यादव को, चाहे जो भी हो, वो जेल छूट क्या है और वो काम करेंगे। आश्वासन भी हम लोग के दिए हैं कि हम सब काम करेंगे। रीतलाल छोड़ के लाल यादव छोड़ के किसको हम लोग देंगे भैया? मुख्यमंत्री को तेजस्वी को देखा जाते हैं, नीतीश कुमार को नहीं देखा जाते हैं।